मैं बेटियों को मैंने इसलिए बिठाया कि ये मेरा साथ देंगी, कि तो मैं ना दूसरा एस्पेक्ट लेना चाहता हूँ। एक तो है ना कि हम डर के करते हैं, एक हम ये करते हैं कि चलो डर के तो यहाँ आ गए, लेकिन अभी अभी ये मिल रहा है कि अच्छा ये चीज जो मिलनी है ना, अपॉर्चुनिटी जो मिलनी है, पोटेंशियल जो मिलना है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलना। इस बीमारी ने जो आपको पोटेंशियल देना है ना, जो आपको सुकून देना है, जो आपको विजन देनी है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग आनी है, जो आपके अंदर बड़ा जिंदगी का पर्पज मिल जाना, ये नहीं कहीं मिलना। तो इतना पोटेंशियल किसी चीज में, एंड वो पोटेंशियल किसी बीमारी में। और देखो ये तो मतलब आप इस चीज को कैसे लेते हैं। आई थिंक दीज गर्ल्स, दीज मतलब बच्चे, दे कैन फील इट बेटर रादर के हम। एक बात है, चलो आप डर के आए, आ जाए, ठीक। इसके बाद मैं कहता हूं आप डरे ना, अब इस चीज के लिए करें कि इसमें से पोटेंशियल ढूंढे। ये चैलेंज आए कि इसमें से पोटेंशियल इतना है कि आपको पता नहीं है कि खजाना कितना पड़ा है आपकी लाइफ में। अगर ये चीज ना आती तो आपका ये खजाना का वैसे रहना था, आपने आना था और दुनिया में से चले जाना था, ना आपका कोई गोल होना था, ना आपका पर्पज होना था। तो हमने तो यहाँ पे वो ले लिया जो पता नहीं हमने कितना खज्जल खराब होके भी नहीं पाना था। अब बताए बेटे, ये जो मैं बात कह रहा हूं, डू यू बिलीव इन इट? अगर नहीं बिलीव करते वो भी बता दें। इसे बिलीव तो पूरा करते हैं, बिकॉज जब आप पर्पस की बात कर रहे हैं तो एक चीज ये भी मैंने नोटिस की थी कि आप हमारा सेंस ऑफ पर्पस वो भी सही डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज और खुल जाती हैं। पहले हम गलत चीजों के पीछे काफी भाग रहे होते हैं एंड उसके कारण काफी डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स घर में, लड़ाई झगड़े, बिकॉज अंदर से आप खुश नहीं हो तो आप रिलेशंस कैसे ठीक रख सकते हो। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा पता चलता है कि उस रेस में लगने की इतनी जरूरत नहीं है, कि आपका सेंस ऑफ पर्पस अंदर से खुशी के लिए छोटी चीजों से भी मिल सकता है, एंड वो मेनली फैमिली से आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। फैमिली के साथ, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी, एंड इट्स नॉट जस्ट की अपॉर्चुनिटीज आपको खुद में दिखती हैं, खुद में तो चेंजेस दिखती हैं, खुद में चेंजेस अपने पर्सनली अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी अपने स्टडीज में, उसमें तो दिखती हैं, पर और अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं इन द सेंस कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को जानना शुरू कर देते हो, एंड जब आप उन्हें जानना शुरू करते हो आई फील कि इट्स काइंड ऑफ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ढंग से बातचीत कर पाते हो ना, तभी आप बाहर वालों के साथ असर्टिवली बात कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं अपने ही सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ असर्टिवली बात नहीं कर सकती, एंड वो तो मेरे सबसे क्लोजेस्ट हैं, देन आई डोंट थिंक मैं बाहर कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसे असर्टिवली ले पाऊंगी या उसका यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो थोड़ा सा आपने डिफिकल्ट काफी यूज किया, मेरे को लगता है कि हमें शायद पूरी समझ नहीं आई कि आपने बोला कि आपको यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना आ गया, आपको अपनी वैल्यू पता चल गई, आपको असर्टिव लैंग्वेज आ गई। तो आपने ये क्या मतलब, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताएं। आई वुड लाइक पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस किया, आप खुद से बोलेंगे आपके अंदर क्या चेंजेस आई जब आप आए थे, जब आपके ब्रदर आए थे सबसे पहले ट्रीटमेंट में, तो यू नेवर न्यू कि ब्रदर के ट्रीटमेंट में पता नहीं कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो ये क्या आपके साथ अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई सर? जब पहली बार, जब अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दी सर, पहली बार जब आए थे तब उस टाइम पे ये नहीं पता था कि खुद भी कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिकॉज आई रिमेंबर जब पहली बार आए थे तो तब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो पहले जाने से पहले जो एक हफ्ता था जब भैया यहाँ पे थे हॉस्पिटल में, तब तो मैं मीटिंग्स भी नहीं अटेंड कर पाती थी, तो तब मेरा पर्सपेक्टिव से यही था कि अच्छा भैया को ट्रीटमेंट लेनी है, कि उन्हें ट्रीटमेंट लेनी है, उन्हें पता जगह अच्छी है तो ट्रीटमेंट अच्छी जाएगी। बट देन फिर एग्जाम्स के बाद जब मैंने सुनना शुरू किया मीटिंग्स का, तो मैं खुद भी काफी इश्यूज फेस कर रही थी अपने लाइफ में, लाइक अपने फ्रेंड्स को लेके या फ्यूचर को लेके, मेरी ओवर थिंकिंग का बहुत होता था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म की, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज की फेस कर रही थी। जब मीटिंग सुनी तो भैया के लिए तो ऑब्वियसली कैसे उनके साथ बातचीत करनी है वो सब तो सीखा ही, बट अपनी भी खुद की लाइफ में कैसे चीजें हैंडल करनी, वो खुद में रिलेट कर पा रही थी। एंड आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हो, तो वो ऐसे हो था कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, भैया के साथ डिफरेंट लेवल पे हो रहा है, कुछ और बात है, कुछ स्पेसिफिक्स हैं, पर
खुद के लिए बहुत सी और चीजें समझ में आई थी जो मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही थी कि अच्छा कि नहीं मुझे जैसे बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट कैसे अपने आसपास लोगों के साथ जब आप कॉलेज में बातचीत कर रहे हो तो कैसे बाउंड्रीज मेंटेन रखनी है कि इन द सेंस कि अपना उनका पॉइंट समझने की कोशिश करो बट द सेम टाइम अपना भी पॉइंट रखो. तो उस तरीके से मुझे खुद में बहुत बेनिफिट्स दिखे अभी भी. एंड आई थिंक बेनिफिट्स का मेन बात ये होती है कि आपको बेनिफिट दिखने शुरू हो जाते हैं एंड चेंजेस भी दिखती हैं पर आफ्टर अ पॉइंट एक थोड़ा पॉइंट आता है मुझे तो प्लेट्यू से आता है. इसमें होता है कि अच्छा चीजें ठीक चल रही हैं पर फिर आप थोड़ा भी अगर लैक्स हो जाओ ना फिर आपको तब फिर से दिखना शुरू होता है अरे नहीं चीजें फिर से खराब होने शुरू हो गई. फिर जब चीजें फिर से जब खराब होती हैं तब आप और भी प्रोएक्टिव उस पर डील कर दो. हाँ नहीं फिर से आते फिर आपको आना तो पड़ेगा बिकॉज आपने चेंजेस देखी है इंप्रूवमेंट्स देखी है वो खुशी देखी है उसका थोड़ा सा बिगिनिंग देखा है एंड देन जब आप उस पर फिर से काम करते हो तो बेटर वे से काम कर पाते हो बिकॉज अब आपको अपनी गलतियों का भी पता है. तो ये एक मैंने बात सुनी थी कि हम ना ट्यूशन पढ़ने जाते हैं. वो तो मैंने सुना था कि ट्यूशन रखी है एक ट्यूशन रखी दो ट्यूशन रखी तीन रखी चार रखी है लेकिन ये मुझे कभी नहीं पता था कि ट्यूशन का एक मतलब इंट्यूशन भी होता है. तो अभी आपने जो बात की ना वो सारी की सारी है फ्रॉम ट्यूशन टू इंट्यूशन. ट्यूशन से हम भागते थे इंट्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं. अभी इंट्यूशन और ट्यूशन में क्या फर्क होता है? सर मैं तो जितना समझती हूँ कि जितना मुझे समझ में आता है कि ट्यूशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फिर इंट्यूशन बनेगी आपके लिए क्योंकि पहले हमें ठीक आदतें होती नहीं है तो पहले जो कॉमन सेंस होती है वो गलत ही चल रही होती है. ट्यूशन मतलब कि यहाँ पे मुझे तो काफी अभी भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में नहीं आती या गलत इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो अभी भी सीख ही रहे हैं कि कैसे ठीक कैसे असर्टिवनेस शो करनी है टफ लव शो करना है उन सब की ट्यूशन क्लासेस तो लगती हैं हर दिन मैथमेटिक्स की ट्यूशन इंग्लिश की ट्यूशन हिंदी की ट्यूशन पंजाबी की ट्यूशन. तो वो ट्यूशन का मतलब था लर्निंग है ना. तो ये अभी इसकी ऊपर वाली स्टेट है कि जब आपके साथ इंट्यूशन है एंड यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व के नई चीजें सीख के अपने साथ रिलेट करना और फिर अपने लाइफ में अप्लाई करना कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं मेरे अंदर ऑब्सेशंस हैं मैं बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पा रही मैं असर्टिव नहीं हूं. ये देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं. ये तो इंट्यूशन से ही आती हैं. इसके लिए कोई बार टीचर नहीं मिलेगा आपको ट्यूशन नहीं लिखानी होगी और ये तो हमारी ट्यूशन तो वैसे ही चलती है. तो इनसे इंट्यूशन आती है. थैंक यू बच्चे इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल लिसनिंग टू यू कीप सेटिंग देयर विल बी अनदर क्वेश्चन लेटर ऑन. हाँ जी अब सेम क्वेश्चन आपसे है कि यू केम विद योर फॉर योर फादर बट यू नेवर रियलाइज कि इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर होल फैमिली. आई हैव सीन द प्रोसेस जब आपके फादर वाज एन आइडेंटिफाइड पेशेंट देन केम इनटू दिस ट्रैप वाज योर आई विल से ट्रैप. So initially it is a trap. Initially we brought your mother into it. Then we brought your brother into it. Then you made up a mind to चलो मैं भी चलती हूँ. तो क्या आपको क्या ऐसी फर्क पड़ा भी वैसे ही दो तीन बंदे तो आगे लगे हुए हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि एकदम से ये आपने मन बना लिया कि चलो मैं भी चलती हूँ. सर आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर मैं यहाँ पे आज हूँ तो दिस इज नॉट बिकॉज फॉर माई फैमिली ये मैं अपने आप के लिए. अच्छा. तो जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी दो बंदे लगे हुए हैं तो मैं क्यों आई क्योंकि इनिशियली तो मैं यही कहूंगी कि आप पहले पेन की वजह से ही आते हो राइट. तो मेरा यहाँ पे आने का पर्पस यही था कि मुझे एक रूमिनेशन एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या है कि जैसे हम अपने इन्वायरमेंट में चीजें देखते हैं ना हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं. तो आई थिंक वो चीजें मैंने नॉर्मलाइज करी हुई थी कि ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि ऐसे सारे सोचते हैं तो हम भी ऐसे सोचें. अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है या ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से आपको आपका माइंड अपसेट हो रहा है तो आप सोचते हो इट्स ओके सबका होता है मेरा भी हो रहा है. लेकिन उसके साथ डील करने के और भी तरीके हैं ये मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आई थी. अच्छा. उस दिन मीटिंग में बैठ के मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत जो नॉर्मल की डेफिनेशन है वो हमने बिल्कुल खराब कर दिए.
नॉर्मल की डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे बैठ के पता चलती है कि कौन सी चीजें अलाउड हैं और कौन सी चीजें नॉर्मल नहीं है जिनको फिक्स किया जा सकता है, जो हमने नॉर्मल समझ ली है, जो हमने नॉर्मल समझ ली है क्योंकि हमने वैसे देखी है। ओके, मतलब हमने एटमॉस्फेयर सोसाइटी से सीख लिया ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल झूठ बोलना नॉर्मल है, फ्रॉड करना नॉर्मल है, अपने सीक्रेट्स रखने नॉर्मल है, किसी को अपने बारे में ना बताना नॉर्मल है, ये आपने हमने सबने सीखा होता है। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो हम कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है यार। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बैठ, जब आप यहाँ बैठते हो तो जैसे आपने बोला ना कि आप पेशेंट के लिए यहाँ पे आते हो, लेकिन जब आप यहाँ बैठते हो तो यू रियलाइज कि आप में भी कुछ करेक्टर फ्लॉज हैं जिसके ऊपर हम वो तभी रिकग्नाइज कर पाते हैं जब आप उनके बारे में बात करते हो, जब आप बताते हो कि ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, तो फिर हमें वो रियलाइज होता है कि ये तो प्रॉब्लम मुझ में भी है। तो वो तभी रियलाइज होता है मुझे, आई मीन पापा को इतना टाइम हो गया रिकवरी में और मुझे इट जस्ट बीन अ ईयर और मे बी 7-8 months जब से मैं इस प्रोग्राम में हूँ, तो मुझे वो चीजें पहले रियलाइज ही नहीं हुई इतना टाइम। लेकिन प्रोग्राम में जब मैं आई, मैं खुद यहाँ पे बैठना मैंने शुरू करा, मीटिंग सुननी शुरू करी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। ओके, तो जिसके ऊपर मैंने काम किया, जैसे मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि कोडिपेंडेंस शायद मुझ में भी थी जिसके ऊपर मैंने काम किया, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, पीपल प्लीजिंग करना इट्स नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट, आप अपने आप को हर जगह अच्छा दिखाते हो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे बैठ के समझ आई हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब लो सेल्फ स्टीम से हम क्या क्या चीजें करते हैं और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी। तो ये मैंने पहले भी कहा था और अगेन आई एम सेइंग कि इवन दो इंजीनियरिंग के इतने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, देन उसके बाद स्कूल से लेके कॉलेज एवरीथिंग वी हैव डन, लेकिन ये प्रोग्राम हमें सिखाता है लाइफ स्किल्स, ये प्रोग्राम हमें सिखाता है हाउ टू लिव द लाइफ। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ में हर जगह काम आने वाला है। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मार्क्स आएंगे, इट्स लाइक अ लाइफ लिविंग प्रोजेक्ट जो आपको डेली काम आता है। जैसे आप बोलते हो सर कि इट्स अ वन डे प्रोग्राम, तो आज आपने जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगी आज ही। तो आई थिंक इट्स वेरी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला है, इवन आई विल से दैट कि कई बार क्वेश्चंस के साथ आते हैं हम इस मीटिंग में और आप कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे हमें आंसर मिल जाता है, तो इट डज हैपन। तो प्रोग्राम इज लाइक आई मीन एक रिफ्रेश एक दे देता है हमें जब हम यहाँ पे आते हैं, तो इट्स वेरी पॉजिटिव एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर क्योंकि प्रोग्राम ने फैमिली को तो चेंज करा ही करा है, पर्सनली मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई। और जैसे आपने बोला था ना पर्पस इंट्यूशन की बात आप कर रहे हो, तो आई थिंक सर पहले भी हम चीजें कर रहे थे लाइफ में, जॉब में कर रही थी, पहले हम ट्यूशन कर रहे थे, अब हम इंट्यूशन कर रहे हैं, राइट? क्योंकि सर पहले हम आई थिंक बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स में इतने गुम हो जाते हैं ना कि इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते हैं अपनी, हम बाकी सारी चीजों में इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये भी करना है अच्छा, ये कंपैरिजन है, कंपटीशन है, ये देखना है, जॉब में ज्यादा अच्छा करना है, जो भी है, तो हम जो अपना इंटरनल कंटेंटमेंट जिसको हम बोलते हैं वो तो कहीं होती नहीं है, वो जो इंट्यूशन हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है वो तो प्रोग्राम भी नहीं है उस हिसाब से। तो यहाँ पे आगे हम उसको प्रोग्राम करते हैं कि इंट्यूशन को भी कैसे सुनना है। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको हर तरह हेल्प करता है। ये एक आपने बुक, बड़ा छोटी सी आपने लाइन बोली, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब जब मीटिंग में आते हो तो यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन माइंड, तो व्हाट इज दैट कि आप एक मीटिंग में आ रहे हो, आप वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हो, घर से तैयार हो रहे हो, टाइम हो गया और आप फिर स्टेयर्स के ऊपर आते हो, फिर आके एक चेयर पे बैठते हो, तो व्हाट यू सिट फॉर कि ये मैं क्या हूं, मतलब इट्स नॉट ए वैसी ट्यूशन नहीं है जो 6-7 होती है, बट यू आर कमिंग विद सर्टेन क्वेश्चंस एंड आर यू सो कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ ये आज सॉल्व हो जाने हैं। सर डेली जो हम ये बोलते हैं ना कि प्रोग्राम वन डे प्रोग्राम है, तो हमारे जो चैलेंजेस है ना वो डेली आते हैं, डेली हर एक डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज तभी, और चैलेंजेस होते वही है कुछ अनसर्टेनिटी के बारे में, जैसे आप बोलते हो कि या तो हो सकता है कि चैलेंजेस आए ना, फिर तो मतलब आप एक चेयर पे बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, और इवन तो वहां पे बैठे भी आ जाएंगे, वो तो चैलेंज बहुत बड़ा। सो मैं वही कह रही हूं, फिर भी चैलेंज आएगा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो चैलेंज ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा बिलीफ सिस्टम जब चेंज हो जाएगा कि लाइफ में चैलेंजेस आने ही आने हैं,
तो ये जो क्वेश्चन हम कहते हैं ना कि 6 क्वेश्चन करनी है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कोई नहीं है, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। अच्छा, जब आपको ये क्वेश्चन, एक आप क्लास में बैठते हो, आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने पेपर होता है, अगर आपको 6 के 6 क्वेश्चन आते हो तो फिर आपके अंदर क्या स्टेट ऑफ माइंड चलती है? तो अगर आपके 6 के 6 क्वेश्चन आपको ना आते हो तो फिर आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड क्या चलती है? आप मेरे को अपनी स्टेट ऑफ माइंड बता दें। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है और आपके 6 के 6 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपके अंदर क्या चल रहा है? एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंदर क्या चल रहा है ये बताएं। व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू, पहले आप बता दें। सर, मेरे तो बहुत बार हुआ ऐसा कि जब पेपर पढ़ के नहीं मैं जाती ना, तो तब ज्यादा दिमाग चलता है मेरा उस टाइम पे। उस टाइम पे ज्यादा सोच के फिर क्वेश्चन राइट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, मतलब ये तो बहुत ही फिलोसफी वाली बात, ऊपर वाली बात हो गई है कि जब आप पढ़ के नहीं जाते हो तो फिर आपका दिमाग ज्यादा चलता है। बिकॉज जब 6 के 6 आते हैं तो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन होते कि अच्छा हाँ आता है, पेपर हो जाएगा, पर तब खुद को थोड़ा एफर्ट डाल के एक्टिव रखना पड़ता है कि नहीं, पर ऐसे नहीं हो जाना कि ज्यादा रिलैक्स हो जाना है, ऐसे नहीं हो जाना कि आराम आराम से लिखना है वैसा। पर जब नहीं आते 6, तब फिर दिमाग लगा के सर्वाइवल मैकेनिज्म लग जाता है कि अच्छा नहीं, अब थोड़ा मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या था। एंड मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, पर फिर जब नहीं आते तब ज्यादा क्रिएटिव भी आंसर्स निकल जाते हैं, खुद से बन जाते। मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये अभी भी मेरी क्लैरिटी नहीं हुई कि जब आपको पेपर आता है तो तब आपके अंदर क्या चल रहा होता है? ये नहीं मैं सब कह रहा कि आपने करना क्या होता है, किसको यूज करते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा होता है, और जब आपको पेपर आता है तो फिर आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस होता है? देयर इज अ डिफरेंस। आपके अंदर क्या होता है? मैं नहीं ये कहता कि क्या करोगे आप, हमने करना यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने ये देखना है कि जब आपको पेपर आता होता है किसी क्वेश्चन में, आपके 6 के 6 आंसर आते होते हैं, तो तब एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंदर क्या चल रहा होता है, ये है मेरा क्वेश्चन। इसे तो फिर तो थोड़ा ऑपोजिट है कि जब आंसर्स आते हैं तो फिर अंदर से शांति होती है, जब नहीं आते तो घबराहट होती है, उस घबराहट में फिर एक्चुअली सर्वाइवल मैकेनिज्म का है कि तब चिंप ब्रेन चल रहा होता है, तब बहुत हफड़ा दफड़ी में लिख रहे होते हैं फिर वो। जब आपके अब सेम क्वेश्चन, फिर मैं बाद में इसको एनालाइज करता हूं। अगर आप एक हॉल में बैठे हैं और आपके 6 के 6 क्वेश्चन आपको आते हैं क्योंकि आपने सारी तैयारी की हुई है, और एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको 6 में से 1 शायद आता है और 5 का आपको पता नहीं आते कि नहीं आते, तो आपके अंदर क्या चल रहा होता है? बैठे आप एग्जामिनेशन हॉल में है, दोनों साइड पे तो सब कुछ आते हैं, जिसमें आप रिलैक्स्ड होते हैं, एट पीस होते हो कि अब आपको आता है, यू आर टोटली फोकस्ड और अपना काम करते हैं, तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखती हैं आपको क्योंकि आप खुद में बिल्कुल मगन होते हो काम करने में। जब नहीं होता तो ऑब्वियसली आप देखते हो इधर उधर, एक फेयर होता है आपको, राइट, कि और फिर आप कॉमन सेंस ज्यादा यूज करते हो कि क्या लिखूंगी, तो आपको वो शायद वो स्ट्रक्चर जो हमें याद करी हुई है वो नहीं इस टाइम याद आती क्योंकि वो पता ही नहीं है, और हम विद फेयर आई थिंक एक बेसिक फीलिंग होती है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना और थोड़ी सी आगे लेके जाता हूँ। आपने किसी ने मूवी देखी है स्लम डॉग मिलियनेयर? क्या था, स्लम डॉग मिलियनेयर? उसमें वो क्या दिखा रहा है? व्हाट वाज द थीम ऑफ द मीटिंग? उसको याद है किसको? वो दिखा रहे हैं कि किसको स्टोरी याद है, आपको याद है स्लम डॉग मिलियनेयर? वो केबीसी का एक वर्जन था, केबीसी का एक वर्जन था जहाँ पे उसने जितने भी क्वेश्चंस को आंसर किया वो उसने कहीं ना कहीं उसको पता थे वो आंसर्स, उसके लाइफ एक्सपीरियंस थे उसके। देखे बेटे, वो ना सारे के सारे उसको उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल मूवी इफ उसकी डेप्थ को कोई अंडरस्टैंड कर सके ना, कि ही वाज सिटिंग इन दैट चेयर एंड द क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड एंड फॉर एवरी क्वेश्चन ही हैड अ लाइफ एक्सपीरियंस टू नरेट, and that life experience was giving him signals ki iska answer kya hona chahiye, and that is what it has been shown. It's a beautiful thing, but what we are doing over here is the same thing. Kal hum wo seat pe baithe honge jo hamare paas wo 6 questions aayenge aur hum apne life experience se unke answer karenge, aur jab unke aap questions ke answer karenge na to aap mein excitement nahi aayegi, aap mein sukoon aayega,
आप में हैप्पीनेस वाली एक्साइटमेंट वाली हैप्पीनेस नहीं आएगी, आप में आएगा एक ठहराव, एक कंटेंटमेंट। एंड आप आसपास लोगों को नहीं देखेंगे कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, आप सिर्फ अपनी पेन और कॉपी के मेरे साथ इतना जस्टिस कर रहे होंगे कि जैसे वो सलमान का वो कहता है ना शाहरुख खान कि ये सत्तर मिनट आपकी लाइफ में मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपने अपनी लाइफ की बेस्ट हॉकी खेलनी है। तो ये उसने क्या वर्शन किया था, दैट्स अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द होल थिंग, कि ये 70 साल आपकी लाइफ में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने कैसी कौन सी हॉकी खेलनी है, बस आपने अपनी लाइफ की बेस्ट हॉकी खेलनी है, आज ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये देखो सारी चीजें ना कहीं जुड़ी हुई हैं, एंड इसका मतलब आप समझें ये मीटिंग जो है ना वो ऐसी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं ना, ये मीटिंग बहुत इट इज अ जबरदस्त थिंग। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डू यू बिलीव कि आप अपना मैयर कर सकते हैं कि मैं सेल्फ लव है कि नहीं? मेजर maybe so through our behaviors, actions. कैसे? So one thing I wanted to say is that one of the major factors which measure whether or not we love ourselves is forgiveness, and more importantly, self-forgiveness. Beautiful. मतलब इससे बड़ी बात नहीं कोई हो सकती कि जब आप किसी को forgive करते हो तो उसका क्या मतलब क्या होता है? हमें यही नहीं पता कि किसी को माफ करने का मतलब क्या होता है। द सेंस ऑफ फॉरगिवनेस इज क्यों, इसको आपने इतना क्यों जोड़ा इसके साथ, सेल्फ लव को फॉरगिवनेस के साथ? वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर, पर इसको इसको कैसे आपने रिलेट किया कि आपने फॉरगिव किस चीज को, किस चीज के लिए करना होता है? आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? सो द रियलाइजेशन दैट वी आर नॉट perfect people, we're human beings and we make mistakes and sometimes it's intentional, sometimes it's not. So hume forgive karna padta hai so that we can release resentment from our heart so that we can lead a better life, both ourselves and others. देखो जी मेरी तो हो गई है बस, मतलब इससे ज्यादा तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, आप पूछे कोई क्वेश्चन आपने पूछना। तो मतलब ये बेटी ने इतना बढ़िया पार्ट जो हमने मिस किया था कि सेल्फ लव में है कि इफ यू फॉरगिव समवन, एंड मैं आपको ना इसकी एक क्वालिटी बताता हूँ कि फॉरगिवनेस ना उस चीज को कहते हैं जो आप साइलेंटली अंदर से करते हैं, एंड आप किसी को बताते नहीं है कि मैंने तेरे को माफ कर दिया है, आपने बस साइलेंटली किसी के लिए फॉरगिवनेस लानी होती है अंदर से। एंड जो साइलेंस आप साइलेंटली फॉरगिव करते हो ना किसी को, तो वो उसमें कहीं होता है कि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ इसलिए मैं इसको फॉरगिव करना है, और आपको उसके लिए रिवार्ड नहीं ढूंढते कि मैंने इसको माफ कर दिया ये तो अभी भी नहीं सुधरा, ये तो अभी भी वैसे करना, इसका किसी के साथ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉरगिवनेस इज एंटायरली माई ओन सीक्रेट मिशन विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से बात करता हूँ कि यार इस बंदे को ना मैंने फॉरगिव कर देना इसलिए क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम किसी को माफ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस दें या किसी को सजा दें, ये तो बाबा जी का काम है, मैं क्यों करूं। दूसरी बात है अपने फॉरगिव इसलिए करना है कि हम भी इंसान हैं, हमारे से भी इतनी गलतियां हुई और बाबा जी ने हमें इतनी गलतियों से माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं कि किसी के लिए रिजेंटमेंट और गुस्सा रखें। बहुत ही बड़ी बात है ये बात, मतलब आपने इतनी अच्छी से कैसे कैप्चर किया आपने। मैंने ये सोच देखा है कि हम लोगों को देखते हैं कि हम इसको नहीं माफ कर सकते, इसने हमारे साथ ये किया, इसने ऐसे किया, और हम ना यहाँ पे बैठ के ये कहता है कि जिन पेरेंट्स को हम माफ नहीं ना कर पा रहे, जिस मदर को हम माफ नहीं कर रहे, वो पिछले 3 महीने से हमारा ट्रीटमेंट करवा रही है, जिस वाइफ को हम माफ नहीं कर पा रहे वो वाइफ हमारे साथ पिछले 10 साल से ये काम कर रही है। तो थोड़ा सा तो ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि आपके साथ बैठा कौन है, एंड जो आपके पास बैठा है जो आपका ट्रीटमेंट करा रहा है आप उसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो ये कोई रैशनलाइजेशन तो बनती नहीं है। लेकिन आपकी बात तो ज्यादा बढ़िया है कि आप फॉरगिव इसलिए करते हो क्योंकि ना तो हम परफेक्ट हैं तो ना वो बंदा परफेक्ट है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसने वैसे अपनी कैपेसिटी से काम किया, मुझे अपनी कैपेसिटी पे काम करना है,
एंड दैट इज अ प्योर इंडिकेशन अबव ऑल कि आप अपने आप को प्यार करते हैं. थैंक यू बेटे. थैंक यू. किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? मेरा क्वेश्चन था मैंने ना ये थोड़ा अपने में रियलाइज किया है कि जब फॉरगिवनेस का जो आपने बात बोली, मैं अपने में नोटिस करती हूँ कि दूसरों को मैं फॉरगिव कर पाती हूँ पर अपनी गलतियों के कारण मैं खुद को इतना फॉरगिव नहीं कर पाती. एंड मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, क्योंकि एक है सोशलाइजेशन भी आपने कि ऐसा सीखा होता है कि खुद पे दबाव डाल के खुद को आगे पुश करना कि ऐसा करना, खुद की इम्प्रूवमेंट्स करना, पर उसके कारण पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि दूसरों के लिए वो आ जाता है कि हाँ गलतियां हो सकती हैं, इंटेंशनल नहीं है, पर आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है जब खुद पे आती है ना तो बहुत सर ऐसा लगता है कि मुश्किल से फॉरगिव होता है. और कभी कभी तो होता भी नहीं है कि हमेशा वो दिमाग में आता रहता है कि अरे पर ये किया था मैंने. मैं इसका सिंपल सा आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. सबसे गलतियाँ हुई हैं. कोई इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा जो बड़ा सच्चा सच्चा हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलतियाँ नहीं की, इंक्लूडिंग मी. आई हैव डन मैक्सिमम. तो मैंने उनसे सीखा है, लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि आइदर यू कैन बी क्रूर टू योर सेल्फ और यू कैन लव योर सेल्फ. तो अगर आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हो तो आप उन गलतियों की वजह से आपको अपने आप को कहते हो ये दैट वॉज द कैपेसिटी एंड वो गलती भी कहीं ना कहीं कोई मीनिंग रखती है मेरी लाइफ में. जो अब आज है ना हम, ये अपनी पास की गलतियों की वजह से है. एंड यहाँ पे कोई नहीं ऐसा बैठा जिसने अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की, लेकिन उन गलतियों को अपने साथ लेके जाना दैट इज़ द बिगेस्ट गलती. अभी गलती ये होगी कि अगर हम उन गलतियों की वजह से हम अपने आप को माफ ना करें एंड वी स्टिल रिमेन सो क्रूअल टू आवर सेल्फ दैट वी कांट लव आवर सेल्फ, इतनी छोटी सी लाइफ में अपने आप को प्यार ही ना कर सकें, तो फिर आप साइलेंटली अपने साथ भी एक ऐसा ही कुछ करते हो कि छड़ यार, लीव इट. सबसे गलतियाँ होती, तेरे से भी हुई है. कोई गलतियों का ऐसा कोई जिंदगी में नहीं है जिसने वीक एक्शन नहीं किए. हमने सबसे ज़्यादा किया. हम देखते हैं ना, तो हमारे साथ एक कन्वर्सेशन चलती है, किसी को पता चले कि मैंने कितने वीक एक्शन किए थे, ये तो मेरी बात एक बार ना सुने. लेकिन हम अपने आप को कहते हैं अच्छा यार तेरे इतने वीक एक्शन है इसी वजह से तू यहाँ पे बैठा हुआ है ना. जिसने गलतियाँ नहीं की उसने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करना. तो ये सेल्फ लव को और भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जाती है कि आपने यार स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, कि वो भी एक जिंदगी का ऐसा सफर था जिसमें वो गलतियां हुई जिसकी वजह से आज आपको ये रियलाइजेशन आई. क्योंकि आप रात को दिन से देखते हैं और दिन को रात से देखते हैं. आप गलतियों से देखते हैं कि आपकी लाइफ टुडे कैसी है. अगर आपसे कोई गलतियां नहीं हुई तो फिर तो आपने सिर्फ दिन ही देखा, रात तो देखी नहीं. तो आप एक चीज को हमेशा उसके ऑपोजिट साइड के हेड को टेल से देखते हैं, जिंदगी को गलतियों के से देखते हैं. तो हर चीज के आप दो एस्पेक्ट होते हैं एंड इन दोनों में आप सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे को. अंडरस्टैंड? तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी रियलाइजेशन है कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बचे. कि जो मैंने सीखा है, आई मीन जो मैंने यहाँ पे लर्न किया है मीटिंग में, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है ना वो कहीं ना कहीं आपको तंग करते हैं ज़्यादा कि मैंने गलती कैसे करी. तो अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करें ना, तो अगर उनको फ्लेक्सिबल रखें, जैसे आपने एक बार मुझे बोला था कि बिलीफ सिस्टम फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अगर आप उनको फ्लेक्सिबल रखते हो ना तो इट गिव्स यू अ रिलैक्सेशन कि इट्स ओके, पहले मैं ऐसा सोचता था अब मैं ऐसा सोचता हूँ. तो कहीं ना कहीं दिस इज अगेन अ सेल्फ लव कि मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रही हूँ बिकॉज आई लव माई सेल्फ. देखिए आप इतनी बढ़िया बात है ना आपने जो बोली है कि आप अपनी गलतियों की वजह से आज आप देखते हो कि आई लव माई सेल्फ. अगर आपने गलतियां ना की हो तो आप आज को कंसेप्ट ही ना समझ आए सेल्फ लव. आप हर एक चीज का एक दूसरा एस्पेक्ट देख के फिर अपने आप को, जहाँ पे हम बैठे ना स्कूल में जो हमें मजा आ रहा है ना, ये उस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने बर्बादी बड़ी की अपनी देखी है. हमने अपनी जिल्लत, अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाया, तो ये उसकी वजह से है आज हमें रियलाइज हो रहा है कि हम कितने वैल्यूएबल.